नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा के गांव दुलद्दी में एक ट्रक ने दो नौजवानों को कुचला, एक की मौत, एक गंभीर घायल। नाभा में 21 देशों से 100 के करीब डेलीगेट्स पहुंचे। ऐतिहासिक गुरुद्वारा अजयपाल सिंह घोड़ियावाला और नाभा के हीरा महल के किए दर्शन। लुधियाना में श्री लक्ष्मी नारायण धाम सेवा समिति की ओर से करवाया गया 653वें प्रभु कृपा दुख निवारण समागम का आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में हर दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण कई कीमती जानें मौत के मुंह में जा रही हैं, जिसका ताजा मामला सामने आया है नाभा ब्लॉक के गांव दुलद्दी में, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने दो नौजवानों को रौंद दिया, जिस कारण 15 वर्षीय भूपेंद्र सिंह नामक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी मनवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु रजिंद्रा अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं इस हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। अजी तुरे जा रहे थी जी। मैं ऐसे एक मुंडा हो थी जी, मेरे ना एक मम्मा थी जी, मेरे ऐसे तिन्ने आने थे। ट्रक वाले ने ट्रक नहीं होता जी, ना उन्हें होर मारे, मैं कुछ मारे, सीधा लेके बिच मारे। कहड़ी जगह हो? पिट हुए नशा किता हुआ मेरा पोता मेरे धोखा होया गया। मेरा पोता भी एको पोता जी मेरा। हां जी, काम अजे पढ़ता थी बच्चा मेरा, अजे का पढ़न जाता थी, हूँ पेपर देते थी उन्हें। हां जी हाँ जी, घर मेरा उजड़ गया। मैं उन्हें सारे माड़ा मोटा काम कर ले, मैं उस तो भी गया। मैं आप 85 साल की उम्र, मैं मर जाता वो बच जाता। फिर सर मेरे मम्मा तो मेरा ब्रदर तो वह फ्रेंड तीनों जाने, मेरे मम्मा ने नानके जाना सी, मेरे ब्रदर तो वो फ्रेंड ने पटियाले जाना सी, इन्होंने तुर के बस तो जाना सी, पता नहीं दलद्दी तो दलद्दी छत्तीपीर रोड से आई जा रहे थे। पुली से ट्रक आया एक, उन्हें ना फेट मारती, मम्मा पिछे जे सी, ये दोनों गल कर रहे थे, मेरा ब्रदर तो वो फ्रेंड दोनों ने गल कर रहे थे। गल करते करते पता नहीं ट्रक टर्न हो गया, पता नहीं की होया, एक मेरे जो मेरे ब्रदर का फ्रेंड आ उन्होंने फेट मार गया और तो उत्ते ही चढ़ गया, तो मेरे ब्रदर की लत फ्रैक्चर करती, लत फ्रैक्चर तो पैर पुर पारता, हड्डिया उड्डिया। दूजा फ्रेंड तो डैथ हो गई वो, ही इज नो मोर नाउ। ऑबियस आ ट्रक वाला अपना ट्रक छड के उत्ते चले गया, ऑबियस वो गलती होनी है ना, ता ही वो छड के गया उत्ते। एक्सीडेंट केस आया है, तो ये दो पेशेंट्स आए हैं, एक ब्रॉड डेड सीगा, उदा नाम हैगा भुपिंदर, तो उदी उम्र अप्रोक्सीमेटली 15 सी, तो जिहड़ा दूसरा उदा फ्रैक्चर है लत दा, तो उदा नाम हैगा मनवीर सिंह, उदी एज 17 साल है। रियासती शहर नाभा में 21 देशों से आए 100 के करीब अंग्रेजी डेलीगेट्स नाभा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा अजयपाल सिंह घोड़ियावाला और नाभा के हीरा महल को देखने के लिए पहुंचे, जिन्होंने गुरु घर में माथा टेका। डेलीगेट्स का नाभा में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर नाभा से विधायक गुरदेव सिंह देवमान, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा की ओर से इनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विदेशों से आए डेलीगेट्स ने गुरु साहिब की निशानियों की प्रशंसा की और गुरु घर में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आकर वे बहुत खुश हैं और गुरु जी की वाणी का वे उच्चारण कर रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट।
ਪਰ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਰਮਨ ਰਸ਼ੀਆ ਕੁਰੇਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਿਆਸਤੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਾਭਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ 15 ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਯੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਟਸ ਐਨ ਆਨਰ ਐਂਡ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ ਹੂ ਅਲਾਊਡ ਅਸ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਐਂਡ ਆਨਰਡ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵੈਲਕਮ ਅਸ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਵੈਰੀ We are very pleased to be here. Thank you for all of these gifts. And we are very happy that we are with our master and we do sing mantra, do Kundalini yoga, and we are really happy to be to know more about your culture and be there. And thank you so much for welcome invited us in a beautiful holy space. Thank you so much. I'm from Japan, Tokyo. Yogyaman Deep is teaching the us Japanese people Guru Nanak love and pure. Chanting the Muru mantra. Ikkon ka satnam karaka puruku nirbon nirbe aka muru ta chu ni seven kurbe sa chap aaj sach chigari sach heavy sach nani ko sevi sach I'm so appreciate you Guru Nanak thank you so much भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम सेवा समिति की ओर से 653वें प्रभु कृपा दुख निवारण समागम का आयोजन हर्षिला रिजॉर्ट फिरोजपुर रोड लुधियाना में किया गया समागम में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विशेष रूप से शामिल हुए समागम में महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज ने ऑनलाइन प्रवचन करते हुए श्रद्धालुओं को प्रभु चरणों से जोड़ा इस दौरान भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के महासचिव सुशील वर्मा गुरुदास ने कहा कि भारतीय सनातन शक्ति और संत परंपरा का पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है बहरीन में 3 और 4 नवंबर 2022 को वहां के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भाव के लिए महासम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें विश्व भर के आध्यात्मिक प्रतिनिधि पोप व खलीफा आदि शामिल हुए थे भारतवर्ष की तरफ से केवल महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को ही आमंत्रित किया गया था यह सनातन संस्कृति की महान विजय है इसी प्रकार न्यू जर्सी स्टेट सीनेट और जनरल असेंबली द्वारा इन्हें संयुक्त रूप से सम्मान पत्र प्रदान किया गया इसमें असेंबली मैन इरिक पीटरसन मिस अमेरिका मिस वर्ल्ड सैनी जी व टीवी एशिया के डायरेक्टर HR शाह एवं असेंबली मैन तथा सीनेटर शामिल थे मिस अमेरिका मिस वर्ल्ड सैनी जी ने यह सम्मान पत्र महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को प्रदान किया लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट किस प्रकार करोगे पहले तो आपको उसके लिए ब्रह्म वेदता महाब्रह्म वेदता की इसके बारे में बता सकता है वो जो बता सकता है कोई जानता है तू जानता है
तो इस चीज इसको जानते ही आप ऐसे देख सकते हैं इसका प्रयोग है कि लाइन सुनता गुरुदेव आपके चरणों में गुरुमान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव सारे हम लोग बहुत आनंदित आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। मैं तो एक बेनती लेके आया हूँ गुरुदेव आपके चरणों में जिस तरह लुधियाना वासियों को आज आपका आशीर्वाद की वर्षा मिल रही है अब जलंधर में भी आपका लोग बहुत भगत इंतजार कर रहे हैं। बार बार मंदिर कमेटी को और हमें मुझे ये पूछने कि गुरुदेव का आशीर्वाद कब मिलेगा आप बुलाओ गुरुदेव क्यों नहीं आ रहे तो गुरुदेव मेरी आपके चरणों में ये अरदास है कि आप हमारी बेनती को कबूल करें और जलंधर वासियों को भी एक समागम जल्द दें जिसके लिए हम लोग आपके बहुत बहुत किरदार होंगे और जलंधर वासियों के ऊपर भी आप इसी तरह अपना बहुत आशीर्वाद और सब भक्तों का मान सम्मान रखें और हमारी बेनती को स्वीकार करें। जलंधर के प्रोग्राम के लिए शक्तिपीठ देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से और जलंधर वासियों की तरफ से मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप आज प्रोग्राम दें क्योंकि फिर मेरे को फिर जाके सभी लोगों ने पूछना है कि आप गए थे क्योंकि कल दैनिक सवेरा में जो आपकी देन है दैनिक सवेरा जो आपका आशीर्वाद से आप ही ने अपने हाथों से कर कमरों से चलाई थी आज पंजाब की सबसे बड़ी अखबार बन गई आपकी कृपा से तो लोगों ने भक्तों ने फिर सुबह पूछना है मैं विनती करता हूँ आपके चरणों में कि आप कृपा करें बार बार आपके चरणों में विनती करता हूँ कि कृपा आप प्रोग्राम आज दें क्योंकि मैं भी जाके वहाँ शक्तिपीठ में उन लोग भक्तों को जवाब दूँ लाखों लोग आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और उनके ऊपर आप जरा ये अपनी कृपा जैसी वर्षा करें। ओम नमो नारायण तेरा दर ढूंढते ढूंढते सतगुरु जिंदगी की शाम हो गई तेरा दर ढूंढते ढूंढते गुरुजी जिंदगी की शाम हो गई और जैसे ही तेरा दर दिखा जिंदगी तेरे नाम हो गई। आज आपको मैं ले चलता हूं पिछले कुछ वर्षों पहले बात सन 2006 की है। मैं मुंबई के अपने ऑफिस से बैठा था फोन की घंटी बजती है दूसरी तरफ से आवाज आती है गजेंद्र जी मैं अरुण गोविल बोल रहा हूँ। मैंने बोला अरुण जी बोले बोले मैं बेंगलोर में हूँ और बेंगलोर से ये फोन कर रहा हूँ। न जाने क्या चमत्कार हुआ है उन्होंने कहा हमारे गुरुजी हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके समागम में आए ये आदेश हुआ है गुरुजी की तरफ से। मैं गुरुजी के बारे में ना सुना था ना जानता था मैंने बिना सोचे समझे बिना एक क्षण में मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा और अरुण जी ने मुझसे कहा कि मैं प्रोग्राम बताता हूँ। दो दिन के बाद अरुण जी ने फोन करके मुझे कहा कि 11 जुलाई 2006 गुड़गांव में समागम है और गुरु जी की तरफ से आदेश हुआ है कि वहाँ आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। पहली बार मैंने साक्षात रूप में गुरुदेव को देखा बस वो दिन था और आज का दिन जिंदगी गुरु जी के नाम हो गई। ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार चमत्कार क्या कहूँ मैं चमत्कार तो बहुत छोटा शब्द है ऐसे ऐसे अनुभव
इस तरह से आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पे फला फूला है गुरु जी का, जिसका कई बार मैं अपने वक्तव्य में वर्णन भी कर चुका हूं। और मुझे हमेशा ये यकीन रहता है, जब आप निस्वार्थ भाव से गुरु जी के प्रांगण में आते हो तो आपके ऊपर भी इसी तरह गुरु जी का आशीर्वाद फलता फूलता है। भारत विकास परिषद छावनी द्वारा श्री शीतला माता मंदिर फिरोजपुर छावनी में शपथ ग्रहण एवं परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के प्रधान विशाल गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में प्रभा भास्कर मुख्य संरक्षक विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल फिरोजपुर बतौर मुख्य अतिथि, अशोक बहल सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी फिरोजपुर बतौर सम्माननीय अतिथि, मनोज मोंगा प्रांतीय महासचिव पंजाब प्रांत दक्षिण बतौर समारोह अध्यक्ष उपस्थित रहे। साथ ही डॉक्टर सत्येंद्र नेशनल अवार्डी बतौर विशेष मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस शुभ अवसर पर पूर्व सचिव सरदार जगदीप सिंह मानगढ़ को समाज के प्रति बहुमूल्य योगदान हेतु सम्मानित किया गया और नरेश गोयल को नव सचिव, प्रदीप कुमार को सह सचिव, विशाल सिंगला को कोषाध्यक्ष, अरुण चरिया को सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन सभी के द्वारा अपने दायित्व को संपूर्ण जिम्मेदारी से निभाने की शपथ ली गई। तो वहीं मंच संचालक अरविंद बांसल द्वारा सह मंच संचालक सूची गुप्ता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। अज का समारोह भारत विकास परिषद का किसी शपथ ग्रहण समारोह सेगा, जिंदे विच साडी नवी बनी कमेटी ने शपथ ग्रहण की, जिंदे विच 30-35 मैंबर नवे होर जोड़े ने, युवा वर्ग नाल संबंधित रखते हैं। तो इन्हों आशा करता है वध के समाज की राष्ट्र की उन्नति से सर्वपक्षी विकास लिए साडा साथ देंगे। तो अज के फंक्शन से देख के गैदरिंग तो पता लगता जिवें 250 तो लैके 300 बंदा इत्थे अज मौजूद है। समाज हुण बदलाव की ओर चाहता है, तो असी सेवा ते संस्कार नूं अपना आधार मानते हुए युवा वर्ग के सहयोग के नाल असी थोड़ा कोशिश करांगे समाज के विच होर सुधार लिया जाए, होर सेवा के प्रकल्पों नूं चलाया जाए। भारत विकास परिषद संपर्क सहयोग संस्कार सेवा समर्पण पंच सूत्रों के आधारित काम करती है। सब तो ज़्यादा फोकस असी सेवा और संस्कारा करते हैं। असी यह सोच रखते हैं कि जे असी अपनी युवा पीढ़ी संस्कारित करा, युवा पीढ़ी साडा आनंद देश का भविख है, तो असी आपका भिख वधिया कायम करके साडा देश नूं उन्नति दे मार्ग ते ले जा सकांगे। अज का जिहड़ा समारोह है इसे आधार शब्द ग्रहण समारोह से, और जो फिरोजपुर छावनी भारत विकास परिषद की सीता रसोई चला रही है, इन्हों की बहुत वड्डी उपलब्धि है और बहुत वड्डा सेवा का काम है। जी नाम सर, मैं सर मनोज मोगा, महासचिव भारत विकास परिषद पंजाब साहब। पंजाब में 18 मार्च से ऑपरेशन अमृतपाल चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पंजाब पुलिस के जवान और केंद्र से कई सुरक्षा बल की टुकड़ियां भेजी गई, लेकिन अभी तक फरार अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में सैकड़ों की तादाद में अमृतपाल सिंह के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया और कईयों को बाद में छोड़ दिया गया। इसी को लेकर पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की ओर से जिला हेडक्वार्टर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में जो निर्दोष लोग पकड़े गए हैं उनको जल्द रिहा किया जाए। पंजाब में बिना वजह से दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं जिन लोगों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है उसको रद्द किया जाए और जो असल दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह भी हाजिर रहे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। आज पंजाब दे विच जिहड़ियां हालतां बना रही ने केंद्र ते पंजाब सरकार ने मिल के कीतियां ने, असीं उहदे विरोध प्रदर्शन कीता। पंजाब दे विच इहो जिहा कोई फिरकू ताकतां ने माड़ा जिहा सिर चक्किया सी, कुछ बंदे सी इहो जिन्हां ने माड़ियां मोटियां फिरकू एक्टिविटियां कीतियां ने, उन्हां ते जिहड़े दोष सी पंजाब सरकार कार्रवाई करे। पर जिहड़े लोक एडा वड्डा डरावना माहौल खौफनाक माहौल बनाया इत्थे सुरक्षा दल बुला के, तो नैशनल सिक्योरिटी एक्ट वर्गे कानून ला के, तो बाहरलियां स्टेटां दे विच बंद करके बंदे, तो NIS बुला के, NIS ये बुला के जिहड़ा भी इत्थे माहौल पैदा कीता, जिहने इह डरावना माहौल है, ये लोगों के दहशत पाने वाला माहौल है, ये बंद किया जाए, सुरक्षा दल वापस किए जाए, ये एजेंसियां वापस बनाई जाए। की लगता है प्रधान जी, मतलब कि कई दिनों तो जो चल रहा है, अच्छा फिर सड़कों से उतरना पाया कि नौजवान
ਮਾਹੌਲ ਹੈ रियासती शहर नाभा के हीरा महल में एक दिन के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी की निशानियां सुशोभित की गई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के वस्त्र और शस्त्र की निशानियां भाई बहलो जी के वंशज भाई देसराज जी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी सेवा से खुश होकर बख्शिश दी थी। आजकल ये बख्शिशें भाई बहलो जी के वंशज भाई उपेंद्रजीत सिंह के घर में सुशोभित हैं। ये निशानियां संगतों के दर्शन के लिए एक दिन के लिए हीरा महल नाभा में सुशोभित की गई हैं। इस मौके पर महारानी प्रीति सिंह ने कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि वे गुरु जी के शस्त्र और वस्त्र के दर्शन कर रही हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मैं भाई उपेंद्र सिंह भाई वेलो सब तो पहलो जी की 15वीं पीढ़ी हाँ। मेरे परिवार के साहब मेरे परिवार के पास जो बख्शिश है 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आनंदपुर साहब विखे अज तो 324 साल पहला मिति विसाख संमत 1756 लाइना 5 ये लिखारी की लिखत है जो ये बख्शिश साढ़े बजुर्गों नूं गुरु साहब ने खुद खुश होकर दिती सी क्योंकि उस वेले गुरु साहब भंगाणी का युद्ध जित के आनंदपुर साहब आए सी। आनंदपुर साहब आके जो मसंद प्रथा गुरु साहब ने पांचवें पातशाह ने शुरू करी सी साडे बजुर्ग भाई वेलो सब तो पहलो जी जिन्हां ने पांचवें पातशाह की रहनुमाई हेठां सरोवर की श्री हरिमंदर साहब की सेवा करी उत्थे गुरु साहब ने साडे बजुर्गों की कार सेवा तो खुश होकर उन्होंने उपाधि दिती भाई वेलो सब तो पहलो दी तेरी घर थाए पई असीं तैथों बहुत खुश हाँ। तो गुरु साहब ने नाल उस वेले साडे बजुर्गों नूं एक होर बख्शिश करी जो उस वेले एक बहुत वड्डी पदवी सी मसंद की पदवी। मसंद उस वेले एक संगत ते गुरु दे विचाले एक बहुत वड्डी कड़ी सी बहुत इज्जत दा शब्द सी बहुत दुर्लभ पदवी सी। संगत नूं जो गुरु साहब ने हुक्म करना है उपदेश देना है उस संगत कोले पहुंचदा करना धर्म का प्रचार करना आपके एरिए अते जो कारपेटा संगत दिंदी सी उस संगत तो कारपेटा लैके गुरु साहब तक पहुँचती करनी मसंद का कम सी। पांचवें पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक साडे बजुर्ग गुरु साहब की सेवा च हाजिर रहे। 10वें पातशाह टाइम च 85% जिहड़े मसंद सी उह करौट हो चुके सी। तां गुरु साहब ने आनंदपुर साहब विखे एक सारे मसंदां दा इकट्ठ करिया। इतिहास दसदा है कि 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दो बार मसंदा सोधा लाया। एक बार देहरादून रामराई के मसंदा सैकंड आनंदपुर साहब विखे अपने मसंदा उत्थे जिहड़े करप्ट सी उन्हां नूं सजावां दित्तियां गईयां जिहड़े सही सेवा कर रहे सी उन्हां नूं बख्शिशां करियां गईयां। साडे बजुर्ग उस वेले भाई देसराज जी आनंदपुर साहब विखे संगत समेत गए सी उत्थे 10वें पातशाह ने अपने पहने हुए दो चोले पजामा रुमाल कटार बाज दी डोर जुत्ते एक सिक्का एक मोर ये चीज़ां एक कलम हाथ लिखत गुरु साहब की अपनी ते लिखारी दी ये चीज़ां बख्शिश करियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिता पुरखी अज मेरे परिवार कोले मौजूद ने। अज बेहद बड़भागा दिन है मैनू दिनों खुशी हुई क्योंकि अज दे कलयुग दे विच सिर्फ ते सिर्फ एक दौड़ लगी है उस दौड़ च असीं इन्ने क भज ले आ कि सानू अपना आप नहीं याद निशान है इत्थे ओ हस्ती
ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਰਾਤ ਸਿੱਖੀ ਸਮੂਹ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਲਿਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਇਹ ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਖਾਟੂ ਵਾਲੇ ਕਾ ਭਵਯ ਸੰਕੀਰਤਨ ਏਵਮ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਛੋਟੇ ਅਯੋਧਿਆ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਸਾਈਂ 7 ਵਜੇ ਸੇ ਰਾਤਰੀ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਖਾਟੂ ਵਾਲੇ ਕਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਭਕਤੀਮਯ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਘਲ ਅਨੀਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਵਿਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਕਸ਼ੇ ਬਾਂਸਲ ਸ਼ਿਆਮ ਕਪੂਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿੰਦਲ ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਂਸਲ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਅਨਿਲ ਖੰਨਾ ਅਜੇ ਕਪੂਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹਿਲ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਿਆ ਭਗਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਵਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ धाम ट्रस्ट गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में मां बंगला मुखी जयंती 28 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार को बड़ी ही श्रद्धा भाव एवं धूमधाम से मनाई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज और श्रीकंठ जज ने बताया कि 28 अप्रैल को मां बंगला मुखी धाम में मां बंगला मुखी जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें सुबह 7 बजे माँ बंगलामुखी जी के हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसके पश्चात सुबह 10 बजे से माता जी की चौकी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक माँ बंगलामुखी जी की महिमा का गुणगान करेंगे। अंत में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी माँ भक्तों से इस हवन यज्ञ और माँ बंगलामुखी जयंती में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर असंख्य माँ भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। माँ बगला मुखी जी का साढ़े माँ बगला मुखी धाम के 28 अप्रैल को महामाई की जयंती का पर्व बहुत हर्षोल्लास नाल मनाया जा रहा। असी सारे बाग मुखी धाम के सेवादारा वालों उपासकों वालों ये सदा सारे शहर को देने कि कोई भी बंदा इत्थे आ के साढ़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के महामाई के चरणों में सेवा कर सकता है। ਧਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਵਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਏਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਓ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਧਾਮ ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵਯ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹੋਤਸਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਸਥਿਤ ਟਰੱਸਟ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਮੇਂ ਰਮਨ ਢਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਬਤੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਗਰ ਵ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀਓਂ ਕੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ੀਤਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰ, ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਵਾਹਰ ਪੁਜਾਰੀ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸਾਥੀ ਔਰ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਤ ਮਾਂ ਭਕਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। नकोदर से विधायक इंद्रजीत कौर मान की ओर से बेमौसमी बरसात के कारण किसानों की खराब हुई फसलों का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात के कारण किसानों की गेहूं की फसल 80% खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी इनकी गेहूं की फसल खराब होने के कारण काफी चिंता में है और वह भी नकोदर के गाँव में जाकर किसानों का दर्द जानने की कोशिश कर रही है। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 75% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਂਸ ਸੀਗੇ ਸੀ ਕਿ 50% ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਂਗਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਂਗਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ 80% ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 6-7 ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ 15-20 ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤਲਵਣ ਵਿਲਕਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕੰਮ। ਗਤ ਰਾਤਰੀ ਸੋਡਲ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। इस हादसे में मृतक महिला का पति और बच्ची भी घायल हुए हैं और एक पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोडल इलाके में कुछ वाहनों के साथ टकराकर आई बेकाबू कार ने पहले एक्टिवा को टक्कर मारी और बाद में स्कूटर सवार पति पत्नी को कुचल दिया। इसके बाद भी कार काबू में नहीं आई और सड़क किनारे खड़ी स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटर सवार महिला की मौत हो गई जबकि उसकी 5 वर्ष की बच्ची, पति और 2 और बच्चे भी गंभीर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही SHO संजीव कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस की ओर से बनती कार्रवाई की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਜੋ ਮਾਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੈਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ? ਮਾਮਲਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਦੁਆਬਾ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਕਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਢਾਲ ਜੀ ਨੌਰਥ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਢਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੋ ਵੀ। ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ? ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ PCR ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਸਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी स्वर्णा राम का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया, जिनका अंतिम संस्कार फगवाड़ा में किया गया। चौधरी स्वर्णा राम भाजपा के उन मजबूत राजनीतिज्ञों में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का गढ़ माने जाने वाली फगवाड़ा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी। चौधरी स्वर्णा राम की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर फैल गई। गौरतलब रहे कि चौधरी स्वर्णा राम 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। चौधरी स्वर्णा राम के देहांत पर SC कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला, पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक KD भंडारी, अकाली नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, भाजपा नेता आशु सांपला, विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल सहित कई राजनीतिक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨਤਰ ਕੇਵਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖਿਆਂ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। God, Bajo, Chet!
ਸਿਮਰਤੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੀ ਆਏ ਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਬਦ ਸਜਾਈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਖ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਂਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੈ ਤਲ ਚਿਰੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਂਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ 9 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੈ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा के गांव दुलद्दी में एक ट्रक ने 2 नौजवानों को कुचला, एक की मौत, एक गंभीर घायल। नाभा में 21 देशों से 100 के करीब डेलीगेट्स पहुंचे। ऐतिहासिक गुरुद्वारा अजयपाल सिंह घोड़ियावाला और नाभा के हीरा महल के किए दर्शन। लुधियाना में श्री लक्ष्मी नारायण धाम सेवा समिति की ओर से करवाया गया 653वें प्रभु कृपा दुख निवारण समागम का आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।